हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं राजा, आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल एटीसी वर्ल्ड में। और आपको बताने वाले हैं कि चैलेंज यानी कि स्कूटनी करने से नंबर बढ़ेगा या घटेगा, कमेंट पे कमेंट आ रहा है। तो मैंने उसके लिए एक वीडियो स्पेशल वीडियो लेकर आ गया हूँ, जहाँ मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा कि अगर आप स्कूटनी या फिर चैलेंज करते हैं तो आपका नंबर बढ़ेगा या फिर घटेगा, पूरा इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट में देखेगा, मात्र 2 से 3 मिनट का ये वीडियो होगा और लास्ट में देखेगा। कहीं ना कहीं अगर आप स्कूटनी किए हैं या फिर चैलेंज, दोनों सेम है, अगर आपने किया है तो आपका नंबर बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये डाउट आपका क्लियर कर दूंगा मैं। और ऐसा क्या होता है मैं वो क्लियर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के अपडेट लेकर आया करता हूँ और कंटिन्यू आता रहूंगा। क्योंकि अभी बिहार बोर्ड का बहुत सारा, अभी बहुत कुछ स्कूटनी का रिजल्ट बचा हुआ है, कंपार्टमेंटल बचा हुआ है, सप्लीमेंट्री का एग्जाम बचा हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको लेकर आएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि बताने से पहले, इस बार जो है रिजल्ट जो है 10 का और प्लस 10 प्लस 2 का, दोनों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। उसका एडमिशन है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि नाखुश हैं, जिनको कि कम नंबर आया है, पास हैं, फर्स्ट डिवीजन भी है, लेकिन वो नाखुश हैं। लेकिन तो जहां तक रही बात की स्कूटनी चैलेंज करने से नंबर बढ़ेगा या घटेगा, तो ये हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप स्कूटनी करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि स्कूटनी करने से, मैंने पहले ही वीडियो में बताया और अभी भी बता रहा हूँ, कि नंबर कॉपी रीचेक नहीं होता है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, उस पर 6 नंबर दिया गया तो उसको आप बढ़ा के उसको 10 नंबर कर दिया गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें स्कूटनी करने यानी चैलेंज करने से ये होता है कि आपके कॉपी में जो भी नंबर दिए गए हैं, 5, 7, 6, मतलब नंबरिंग वाइज करके, 1 नंबर का 4, 2 नंबर का 6, ऐसे करके, तो सारे का नंबर फिर से रिकाउंटिंग होता है। उस काउंटिंग में अगर नंबर आपका बढ़ गया तो उसको आपके मार्कशीट में ऐड कर दिया जाएगा। अगर उस काउंटिंग में नंबर घट गया तो उस केस में आपका नंबर घट भी सकता है। अब सकता रहे है, क्या है, मैं ये क्लियर करता हूँ, ये रेयर केस में ही घटता है नंबर, अक्सर मैंने देखा है, मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं 4 साल से कैफे चला रहा हूँ, कि नंबर किसे घटा है, लेकिन हाँ घटता है, मैंने सुना है घटता जरूर है। अब रही बात कि बढ़ता है, तो मैं फिर बता देता हूँ कि मैं 4 साल से कैफे कर रहा हूँ, कैफे चला रहा हूँ, तो नंबर बढ़ता है, नंबर बहुतों का बढ़ा है। मैंने देखा है कि जिसका 30 हुआ करता था उसका सीधा 85 हो गया है। तो मतलब होता है वो, क्योंकि कंप्यूटराइज वाला, कंप्यूटर पर डिपेंड, जैसे सपोज कर लीजिए कि कंप्यूटराइज वाला, जैसे कि हम एक कंप्यूटर वाले हैं और वहां से कॉपी चेक होके आया मेरे पास, हम टाइप करके नंबर यहाँ पे पुट किए, यहाँ हमसे मिस हो गया 56 के बजाय हमसे यहाँ 86 हो गया, तो उस कंडीशन में आपका नंबर घट भी सकता है स्कूटनी करने पे। या ये भी हो सकता है कि अगर हमने वहां पे कर दिया है 86 56, और यहाँ पे मेरा जो कॉपी है उसमें दिखा रहा है 86, तो उस कंडीशन में वो नंबर ऐड होता है। अगर ऐसा नहीं कॉपी रीचेक होगा तो कहीं ना कहीं आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा कि जो है स्कूटनी या चैलेंज करने से आपको जो है नंबर बढ़ता भी है और घटता भी है, लेकिन घटता है रेयर केस में, बहुत कम केस में देखने को मिलता है कि घट गया किसी का नंबर, लेकिन हाँ मैंने बढ़ते हुए बहुत बार देखा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी तरह की बात नहीं करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे आके फॉलो कर सकते हैं, जिसका की आईडी है @GuluGulu7, आप मुझे वहां भी आके बात कर सकते हैं। अगले अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय, लव यू।